बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने सलमान खान की रेस 3 के साथ अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही सफल साबित नहीं हुई, लेकिन इसकी वजह से बॉबी देओल को दोबारा काम मिलना शुरू हो गया है। रेस 3 के बाद से ही बॉबी देओल लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं और दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले दर्शकों ने उन्हें क्लास ऑफ 83 जैसी फिल्म और आश्रम जैसी वेब सीरीज में देखा था। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए बॉबी देओल की काफी सराहना भी हुई है, जिसकी वजह से उनके पास लगातार निर्माता निर्देशक अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि बॉबी देओल अपनी दूसरी पारी में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और बहुत सोच समझ कर फिल्में या वेब सीरीज साइन कर रहे हैं। अगर ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कलाकार बॉबी देओल ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर लव हॉस्टल साइन कर ली है। इसमें उनके साथ सानिया मल्होत्रा और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। बॉबी देओल ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से भी दी है। बॉबी देओल ने एक ट्वीट करके फैंस को बताया है, मैंने दृश्यम फिल्म्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की क्राइम थ्रिलर फिल्म लव हॉस्टल के साथ एक नई दुनिया में कदम रखने का फैसला किया है। इस फिल्म में मेरे साथ सानिया मल्होत्रा और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन शंकर रमण करेंगे और इसे गौरी खान, मनीष मुंद्रा और गौरव वर्मा मिलकर बनाएंगे। बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर लव हॉस्टल डिजिटल पर रिलीज होगी या फिर ये सीधे सिनेमा घरों में कदम रखेगी, यह अभी तक साफ नहीं है। इसके साथ साथ निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान भी नहीं किया है। फिल्म लव हॉस्टल कब रिलीज होगी और कहां रिलीज होगी, यह जानकारी निर्माता थोड़े दिनों के बाद जारी करेंगे। अगर बॉबी देओल के करियर की बात की जाए तो वो लगातार दर्शकों के सामने नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। क्लास ऑफ 83 और आश्रम के बाद अब वो बहुत ही जल्द आश्रम 2 में नजर आएंगे। इस वेब सीरीज को प्रकाश झा ने बनाया है। आश्रम 2 में बॉबी देओल एक ऐसे संत का किरदार अदा करते दिखेंगे जो अपने भक्तों के साथ धोखाधड़ी करता है। वैसे आप बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर लव हॉस्टल के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड की ऐसी ही ताजा अपडेट के लिए बॉलीवुड लाइफ का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।